हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा देखे थे, मैक्सिमम मिनिमम लोग समझे थे डबल डेरिवेटिव से निकालने के लिए, सिंगल डेरिवेटिव से। तो हम लोग आज उसके बेसिस पे सवाल करते हैं, जिसमें से मैंने एक सवाल पहले लिखा हुआ है, ये आपका केसी सिन्हा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। चलिए ये मेरा सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx बराबर इतना दिया हुआ। काफी इंपोर्टेंट सवाल है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करने के लिए। यहां पे हम लोग ध्यान से सुनेंगे, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम, ये सारे एक ही बात है ना। तो देखिए हमने आपको सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि हमने आपको बताया था कंसेप्ट में कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। तो आपको सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको मुझे रिलेट करना है। लेट अस कंसीडर लेट y इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। मैंने जो fx दिया हुआ था उसको मैंने लेट कर लिया y बराबर, y मान लिया सपोज सन। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये क्या मिलेगा, dy अपॉन dx 3x² - 12x + 9+0। कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी ये क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² - 12x + 9। आगे देखिए इसको लिखेंगे आगे, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है, मैंने फोर मैक्सिमा मिनिमा या फिर फोर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, बहुत जो लिखता है फोर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट जहां पर वो जीरो हो जाता है ना, या फिर दैट इज फोर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन x इक्वल टू 0 सपोज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि dy अपॉन x का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3x² - 12x + 9 = 0। सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां से 3 कॉमन लेंगे, x² - 4x + 9 = 0। x + 3 = 0। आप देख सकते हैं यहां पे x कॉमन लेंगे, x - 3 - 1 कॉमन लेंगे, तो x - 3 = 0 क्या हो जाएगा, 0। आगे देखेंगे हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, x - 3 * कितना हो जाएगा, x - 1 = 0। तो therefore x की वैल्यू 1 और 3 आया, x की वैल्यू 1 और 0 है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने इक्वेशन 1 को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, मेरा इक्वेशन 1 जो था वो मैं आपको लिख देता हूं, इक्वेशन 1 मेरा कितना था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² - 12x + 9। ये मेरा क्या था,
ये क्वेश्चन वन था, ये इस क्या था क्वेश्चन, इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग कितना देगा, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये कितना देगा 6x और माइनस का 12, माइनस का 12 नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहां पे सिंगल डबल डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया मैंने, अब हम लोग क्या करेंगे उस फंक्शन पे जो 1 और 2 है उसको हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एट एक्स बराबर वन पे लिखेंगे हम लोग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स एट एक्स की वैल्यू 1 पे, ये मुझे यहां पे पुट कर देना है, तो कितना देगा डी इंटू 1 माइनस 12, दिस इज कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस, दिस इज क्या होगा विच इज नेगेटिव, ये मेरा क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है नहीं, विच इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव आया तो आएगा तो क्या होगा, देयरफॉर वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर वाई हैज क्या होगा, वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 1 पे एंड corresponding maximum value y1, इसका मतलब ये हो जाएगा y1 का मतलब जो मेरा सवाल था y बराबर मैंने सपोज क्या किया था x³ - 6² x + 9x + 15, ये मेरा क्या था y, जो जिस वो मेरा सवाल था ना जो y बराबर हमने लेट किया था उसमें हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 1 - 6 × 1 + 9 × 1 + 15, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कितना हो जाएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 - 6 + 9 + 15, तो ये कितना 10 और ये 25 - 6 इक्वल कितना बचेगा 19, तो ये मेरा जो 19 आया वो मेरा क्या गया मैक्सिमम वैल्यू आ गया किस पर एट एक्स बराबर 1 पे, ये मैक्सिमम वैल्यू आया। अगेन एट एक्स बराबर 3 पे एक्स की मेरी दो वैल्यू आया था 1 और 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स एट एक्स बराबर कितना पे 3 पे, डबल डेरिवेटिव 6 × 3 माइनस का 12 था, तो ये कितना देगा 18 - 12 विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर वाई हैज मिनिमम वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 3 पे मिनिमम वैल्यू इज वाई थ्री का मतलब जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ था वाई बराबर जो था इक्वेशन उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन कितना दिया हुआ था x³ - 6² x, सवाल यही था मेरा, प्लस का 9x और प्लस 15, यहां पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 3³ - 6 × 3² और +9 × 3 + 15, इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये कितना मिलेगा हम लोग को, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9³ कितना हो जाएगा 27 - 6 × 9 + 27 और +15, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 27 और 27 कितना हो गया 54 + 15 और 9² कितना हो जाएगा -9² कितना होता है 54, तो ये 54 कट गया कितना बच गया 15, तो ये मेरा क्या आ गया मिनिमम वैल्यू।